अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर के पराठे। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसे बॉईल कर लिया है। एक कटोरी मैंने हरी मटर ली है, इसे हमें उबाल कर पीसना है। देखिए, मटर को हमने ऐसे पीस लिया है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं डालना है, इसे एकदम ड्राई ही पीसना है। मसाले में देखो, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी यहाँ पर कोथमीर ली है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक लिया है। यहाँ पर हमने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया था, इसे थोड़ा सा नमक डाल के इसका डो रेडी कर लिया है। आइए हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू को हम ग्रेट कर लेंगे, आप चाहिए तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक ग्रेट करना है, ज़रा भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पराठा हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। देखिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई कोथमीर और नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हरी मटर को जो हमने पीसा था, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए अब हम इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे हाथ में, इसे लगा के इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए, इतना बड़ा हम पेड़ा बना लेंगे। इसे हम सूखे आटे में इसे कोट करके इसे थोड़ा फैला लेंगे हाथों की मदद से। इसमें हम अपना स्टफिंग कर डालेंगे। इसे हम चारों तरफ से ऐसे अच्छे से पैक कर लेंगे। इस तरह से इसे कर लेंगे, इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे ऐसे, फिर इसमें सूखा आटा लगा के इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी इसमें लगाते जाएंगे, ताकि ये हमारा चिपके नहीं। देखिए, पराठे को हमने इस तरह गोल शेप में बेल लिया है, अब इसे हम सेकेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ऐसे डाल देंगे। एक साइड का हो जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। एक साइड से ये हो गया है, इसे अब हम पलट लेंगे। फिर ब्रश की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। फिर इसे पलट के दूसरे साइड से भी ऑयल लगा देंगे।
इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। देखिए गाइस, हमारा आलू मटर का पराठा बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।